A charge q is placed at each of the opposite corner of a square. Okay, तो दो opposite corner पे हम लोगों ने क्या रखा है, एक q charge रखा है, q है, यहाँ पर भी q है. A charge q is placed at each of the other two corners. Okay, छोटा q यहाँ पर एक रखा है और छोटा q हम लोगों ने यहाँ पर एक रखा है. If the net electric force on q is zero, capital Q के ऊपर net force कितना है, तो इसके ऊपर मैं मान के चलता हूँ net force कितना है, जीरो. चलो वेक्टर फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे. देन द रेशियो क्यू बाई क्यू विल बी इक्वल टू. ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो आपको स्क्वायर दिया है, मान लेना इसका साइड है आर. कितना दिया है, आर. तो हम लोग क्या करेंगे, सारे चार्ज का नेचर जो है पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे, देखते हैं रेशियो क्या आता है. अभी देखो यहाँ पर ये जो छोटा क्यू चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा राइट साइड. कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो दिस फोर्स विल बी के, क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. ये जो छोटा क्यू है इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट. एंड ये जो कैपिटल क्यू है इसके ऊपर इधर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा कुछ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू आर का स्क्वायर. मतलब इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन. चलो इसको नाम देते हैं हम लोग. मान लो ये आपका फोर्स है एफ़ वन, ये आपका फोर्स है एफ टू, एंड ये आपका फोर्स है एफ थ्री. एंड एफ थ्री ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है ना. ओके, राइट. तो अभी देखो यहाँ पर एफ वन को अगर लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, वो कैसे आएगा, तो होगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, तो आई कैप. अगर मैं एफ टू वैक्टर को लिखूँ तो क्या आएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस जे कैप, राइट. एंड अगर हम लोग एफ थ्री को लिखेंगे तो उसको रिजॉल्व करके लिखना पड़ेगा. देखो कैसे आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है, टू आर स्क्वायर. उसको उसका एक कंपोनेंट ले लो, इधर क्या आएगा, कॉस 45. तो ये होगा कॉस 45 आई कैप बाद में प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वेयर साइन 45, ये क्या होगा, माइनस जे कैप. चलो सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा, ये के क्यू स्क्वेयर बाई टू आर स्क्वेयर को थोड़ा बाहर ले लो, के क्यू स्क्वेयर बाई टू आर स्क्वेयर बाहर आएगा, कॉस 45 कितना, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप. तो ये है आपका एफ थ्री का वैल्यू. अब ये तीनों का एडिशन, एज वी नो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज जीरो, तो वेक्टर सम ले रहा हूँ मैं. इसका मीनिंग क्या है, एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू वैक्टर प्लस एफ थ्री वैक्टर, ये तीनों का एडिशन क्या होगा, जीरो. एफ वन क्या आपके पास, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. एफ टू है के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर जे कैप. एंड ये क्या है, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2√2 आर स्क्वेयर आई कैप माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर जे कैप इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, राइट. ओके, उसके बाद आई कैप के सारे टर्म एक साइड लेके आओ, ये भी आई कैप मिसिंग है यहाँ पर, राइट. तो अगर आई कैप को कॉमन लिया हम लोगों ने, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर आई कैप प्लस, अच्छा यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर जे कैप. ये दोनों का एडिशन क्या होगा, जीरो. अभी अगर ये फोर्स जीरो है, मतलब आई का कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए एंड जे का कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए. मतलब ये इक्वेट टू क्या होना चाहिए, जीरो. इवन इसको भी इक्वेट टू आप लोग जीरो कर सकते हो. इसको अगर मैंने किया तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के क्यू क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2 आर स्क्वेयर. तो देखो के कैंसिल हुआ, क्यू कैंसिल हुआ, के कैंसिल हुआ, क्यू कैंसिल हुआ, आर स्क्वेयर गया, आर स्क्वेयर गया. तो बचा क्या यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे बचा क्यू, राइट साइड पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2√2. तो फाइनली हमें पूछा क्या है, क्यू बाय क्यू, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू क्या आएगा.
तो कैपिटल क्यू डिवाइड बाय स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, -2√2। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, -2√2। तो -2√2 मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट।